हेलो लर्नर्स, आईटीएल में आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, सीडीपी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ किन किन फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होती है। तो वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। और ये सीटेट के साथ साथ जो जो अभी बीएड एस्पिरेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास का बड़ा महत्व है ना। अगर एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, तभी तो उसका अधिगम अच्छा होगा, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। अब देखो, यहाँ जहाँ वृद्धि एक मात्रात्मक अभिवृद्धि है, ठीक है, मात्रात्मक या शारीरिक अभिवृद्धि है, वही विकास एक प्रगतिशील परिवर्तन है। इसको समझो। देखो, जहां पर वर्ड है शारीरिक या फिर मात्रात्मक या फिर आपकी संरचना, बड़ी संरचना, इसमें अगर वृद्धि हो जिसको हम लोग माप सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। जैसे बच्चे की हाइट का बढ़ना, उनके वेट का बढ़ना या उनके किसी बड़ी पार्ट्स का डेवलप होना, वही विकास आपका क्या है, प्रगतिशील परिवर्तन है। मतलब जो गर्भ से आरंभ होकर जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं तक क्रमशः चलते रहती है। देखो, मानव जीवन की बहुत तरह की स्टेजेस है, विभिन्न अवस्था है, जो कि कौन कौन सी है, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और जितने भी मनुष्य, हम सबको इन अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो है वो एक प्रगतिशील परिवर्तन है। चलो इसको हम लोग एक बार और अच्छे से देखते हैं। देखो, कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि, जिसमें बालकों की शारीरिक संरचना का विकास होता है, अभिवृद्धि या फिर ग्रोथ कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दो, जहां पे ये तीन वर्ड आए, कोशिका, फिर शारीरिक संरचना या तो मात्रात्मक, ये तीन अगर कोई ऐसा टर्म्स आया तो इट मीन्स एक बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। जब भी जैसा भी हमने पढ़ा, जैसे बच्चे के हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या फिर उनके बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना, ये सब हमारी वृद्धि है। सेकेंड टर्म है कि यह एक एकाकी प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि एक एज के बाद आकर रुकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। इसको समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी, इट मीन्स जीन्स के थ्रू जो भी गुण या अवगुण माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वही आपकी आनुवंशिकता होती है। अब यहाँ समझो कि अगर कोई माता पिता ये बहुत ही हेल्दी हैं, ठीक है, तो बच्चे के चांसेस होते हैं कि वो भी हेल्दी हो। लेकिन अगर माता पिता में कोई ऐसी डिजीज है, तो वो भी बच्चों में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है प्री मैच्योर हेयर गेयर, है ना, बालों का असमय सफेद होना, ठीक है। तो अगर माता या पिता को ये डिजीज है, तो बहुत ही चांसेस होते हैं बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो जाए, या तो डायबिटीज का होना। लेकिन उसी के अपोजिट, जिन माता पिता का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो बच्चों के भी चांसेस है कि उनके आईक्यू लेवल अच्छे हों। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हेरिडिटी का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे के ग्रोथ में। फिर है, वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक ही रहती है, मतलब एक सर्टेन स्टेज पे आके वृद्धि रुक जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा को देखते हैं, यानी डेफिनेशन। देखो, जो बीएड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक है कि अगर आप हिंदी में डेफिनेशन लिख रहे हो, ठीक है, हिंदी में परिभाषा लिख रहे हो, तो आप लोगों के प्रॉपर आंसर राइटिंग क्या होता है कि जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार, और फिर नीचे में डबल इन्वर्टेड कॉमा में उनके डेफिनेशन को लिखो या उनके थॉट्स को लिखो। बट अगर आप इंग्लिश में राइटिंग कर रही हो, तो फिर आप क्या करो, पहले आप थॉट्स लिखो और फिर राइट साइड में, यहां से राइट साइड में फिर मनोवैज्ञानिक का नाम लिखो। तो चलो हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रैंक के अनुसार, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। अभी हमने पढ़ा, जहां पे भी कोशिका वर्ड आए या फिर शारीरिक संरचना आए, है ना, या फिर मात्रात्मक वर्ड आए, तो वो हो जाती है हमारी वृद्धि। फिर है, चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, इट मीन्स कि पुराने फीचर्स का जाना और उनकी जगह पे नए फीचर्स का आना, इसे हम कहते हैं वृद्धि, और ये हरलॉक जी ने कहा है, ठीक है।
अभी हम लोग विकास को देख लेते हैं, इट मीन्स डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखो, डेवलपमेंट जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुमुखी प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मतलब कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया बोल दो, एक प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और भाषागत विकास होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य का या फिर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। फिर क्या है कि एक यह परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला है, ठीक है, एक सिक्वेंस चेन है, और साथ ही साथ यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्या है इसको देखो, देखो सपोज करो कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसका हम कहेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। बट सेम टाइम में वो बच्चा शाई हो सकता है या इंट्रोवर्ट हो सकता है, लोगों से घुलने मिलने में वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा होता है, या फिर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चे का मेंटल या सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट रुक सकता है, धीमा हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को हम नहीं कहेंगे कि उसका विकास हुआ। विकास का अर्थ ही होता है कि सभी फील्ड में डेवलपमेंट का होना, ठीक है, सभी आयामों में डेवलपमेंट होना। तो इसलिए इसको हमने एक जटिल प्रक्रिया माना है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब विकास का उद्देश्य समायोजन स्थापित करना, ठीक है। अब इसकी हम लोग परिभाषा यानी डेफिनेशन को देखते हैं। देखो, अरस्तो ने क्या कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। वृद्धि क्या थी, बाहरी कारण, क्योंकि वो हमें दिखती है, एक बच्चे की वृद्धि हो रही है ये हमें दिखती है, लेकिन उसके अपोजिट विकास जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक कैसे होता है, जैसे मस्तिष्क, और बाहरी, देखो इसको समझो, जैसे सपोज करो एक बच्चे को मैथ पजल मिला या कोई ऐसा लॉजिक रीजनिंग सॉल्व करने मिला, तो ये उसके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि उसकी आईक्यू कैसी है, बुद्धि लब्धि कैसी है, तो ये उसका आंतरिक कारण हुआ। लेकिन वो चीज हमें, उन्होंने कितने टाइम में इसको सॉल्व किया, किस तरह से सॉल्व किया, है ना, तो ये सब चीज डिपेंड करता है कि बच्चे के बाहरी कारण, मतलब वो आईक्यू जो उन्होंने सॉल्व किया पजल, वो आंतरिक और बाह्य दोनों हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजंस में डिपेंड करता है, और ये इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। शेफर और किप के अनुसार डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टेमेटिक कंटिन्यूटीज एंड चेंजेस इन द इंडिविजुअल दैट अकर बिटवीन कंसेप्शन एंड डेथ। मतलब कि विकास का आशय व्यक्ति में गर्भ से मृत्यु के बीच घटित होने वाली परिवर्तनों से है, ठीक है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से है। हमने अभी वृद्धि और विकास के बेसिक डिफरेंस को देखा, अब इन दोनों में कुछ और डिफरेंस देख लो। वृद्धि जो है एक एकाकी प्रक्रिया है, अभी हमने जाना, उसके अपोजिट विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मीन्स मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जहां आप बच्चे का हर फील्ड में विकास होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन स्टेज पर आकर या सर्टेन एज में आकर रुक जाती है, जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, है ना, हमारे एक टाइम के बाद आने के बाद ये रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाला परिवर्तन है, जो गर्भ से आरंभ होकर मृत्यु तक चलते ही रहती है। फिर है आपका परिपक्व होते ही यह रुक जाती है, मतलब कि एक मैच्योरिटी लेवल आने पर वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास कभी नहीं रुकता, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र सीमित है, है ना। एक बच्चे की वृद्धि और विकास साथ साथ चलती है, तो वृद्धि क्या है, विकास का ही एक प्रोसेस का एक चरण है, और इसका क्षेत्र सीमित है, मतलब एक टाइम के बाद यह रुक जाती है, जबकि विकास स्वयं में विस्तृत है और वृद्धि इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है, मतलब कि फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी आते ही वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, वातावरण से भी संबंधित होता है, है ना, कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे माहौल मिलेंगे, उनके विकास भी वैसे ही होंगे। जैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे का विकास भी बहुत तेजी से होगा, जबकि स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चे के विकास में धीमी होगी। फिर है आपका, वृद्धि में व्यक्तिगत विभेद होते हैं और प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है,
ऐसे समझो कि एक घर में अगर चार भाई बहन है तो उनकी वृद्धि एक जैसी तो नहीं होती है ना। कोई बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मतलब किसी की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, कोई धीमी गति से बढ़ते हैं, कोई बहुत जल्दी मोटे मतलब मोटे हो जाते हैं, कोई बहुत दुबले पतले रह जाते हैं। तो इस तरह से उनमें विभेदता पाई जाती है, विभेद पाए जाते हैं, जबकि विकास के दर में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है ना, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे बच्चों के भार, ऊंचाई, लंबाई आदि, जबकि विकास क्या है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन है। फिर है आपका वृद्धि, आपका एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर या तो फीट में मेजर कर सकते हैं, वेट को हम लोग केजीज में या पाउंड में मेजर कर सकते हैं, जबकि विकास क्या आपका एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसको मापना कठिन है। तो ये था वृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंस। अभी हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर से वृद्धि और विकास जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहला कारक है आपका वंशानुक्रम कारक, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स। इसको अभी हमने समझा कि क्या होता है, हेरिडिटी जो जीन के थ्रू बच्चों में आती है उनके माँ बाप से। तो देखो, बालक की जो हाइट है या वेट है या आंखों का कलर है, स्किन है या बालों का नेचर है ना, कर्ली बाल होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के वेवी होते हैं, या शारीरिक गठन है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब माता पिता से बच्चों में आती है थ्रू जीन्स। और इसके साथ पेरेंट्स के गुण और अवगुण, इनका प्रभाव भी बच्चों की वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। अभी हमने वृद्धि में देखा कि आनुवंशिकता का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में बच्चों पे पड़ता है। ठीक है, देखो दूसरा फैक्टर क्या है, वातावरणीय कारक, मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखो ये दो बातों पे डिपेंड करती है, एक बच्चे के जन्म से पहले और एक जन्म के बाद। तो जन्म से पहले क्या है, वो माँ पे डिपेंड करती है कि माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है ना, माँ का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसा है, माँ ने क्या डाइट ली है, डिलीवरी कैसे हुई है, जैसे बच्चे की क्या होती है, कभी प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, कभी पोस्ट डिलीवरी होती है, या माँ ने, आजकल कई सारी ऐसी माएँ होती हैं जो क्या करती हैं, ड्रिंक एंड स्मोक करती हैं ना, तो उनका सीधा इम्पैक्ट एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है, और ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो माएँ जो होती हैं, अगर वो फिजिकली फिट है, मेंटली स्टेबल है, ठीक है, वो अच्छे डाइट फॉलो कर रही हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रही है, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट ले रही हैं डॉक्टर के कंसल्ट में, तो वैसे बच्चों के चांसेस होते हैं और वैसे बच्चे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होता है। और जन्म के बाद ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस वातावरण में आया, किस परिवार में आया, उस परिवार के सामाजिक स्थिति कैसी है ना, एडुकेटेड है कि नहीं फैमिली, आर्थिक स्थिति कैसी है ना, उनका रहन सहन कैसा है, तो इन सब चीजों पे भी बच्चे के ग्रोथ पे असर पड़ता है। देखो फिर कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जो कि बच्चे के खुद हैं, जैसे कि पौष्टिक भोजन, हेल्दी डाइट है ना, अगर एक बच्चा एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है, या फिर विटामिन है, ऐसे खाने खा रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन खाना खा रहे हैं, तो वैसे बच्चे के ग्रोथ अच्छे होंगे। अगर उनका एक डेली रूटीन है, मतलब खाने पीने, पढ़ने लिखने सोने आदि, इनका टाइम एक फिक्स है, वैसे बच्चे जो बहुत ही अच्छा प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो है ना, जैसे कि बाल्यावस्था में कहा जाता है 10 घंटे, और किशोरावस्था में एटलीस्ट 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, तो जो बच्चे इन चीज के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर खेल कूद यानी किसी स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, या स्कूल के कोई ऐसा करिकुलर एक्टिविटीज है, डांसिंग है या कुछ ऐसी चीजों में भाग ले रहे हैं ना, तो उन सब लोगों, वैसे बच्चों का वृद्धि भी बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ देखो कुछ और फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुद्धि। बुद्धि क्या होता है, आईक्यू लेवल। देखो जिन बच्चों की आईक्यू लेवल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वैसे बच्चों की वृद्धि भी बहुत तेजी से होगी, क्योंकि वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी कैच करते हैं, लोगों के पसंद में आते हैं ना, वैसे बच्चों को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि क्लास हो गया या फिर उसके अलावा भी वो चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, या फिर उनमें उनमें एक तरह की पॉजिटिविटी रहती है, तो ऐसे बच्चों का विकास भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसके अपोजिट में जो बच्चे का आईक्यू लेवल, जिन बच्चों का कम होता है, वो लोगों को बहुत जल्दी फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वृद्धि भी धीमी हो सकती है। उसके साथ है देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि पारिवारिक परिवेश, मतलब कि बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है, कैसे परिवार मिल रहे हैं, परिवार में माँ बाप में झगड़ा तो नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे। और जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो फिर वृद्धि और विकास तो रुकेगा ही रुकेगा। फिर यहाँ पे देखो लिंग, लिंग मतलब जेंडर, लड़के और लड़कियों में अगर
अंतर किया जाता है, किसी समाज में किसी परिवार में बालक और बालिकाओं में डिफरेंस किया जाता है। जैसे बच्चों लड़कों को पढ़ने दे दिया जाता है लेकिन लड़कियों को घर के काम में लगाया जाता है, तो वैसे क्या होता है, लड़कियां कहीं ना कहीं मेंटली सप्रेस्ड हो जाती हैं, उनकी वृद्धि भी रुक सकती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाती है, उनका मेंटल स्टेट थोड़ा डाउन हो जाता है, मोरल डाउन होता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि विकास किया, ठीक है। उसके बाद है वायु एवं प्रकाश। ये क्या है, देखो जिस भी बच्चे माहौल में रह रहे, चाहे वो घर में हो, सोसाइटी में हो या फिर स्कूल जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ना, प्रॉपर लाइटनिंग है कि नहीं, प्रॉपर एयर है कि नहीं। तो इन सब कुछ बेसिक रीजंस की वजह से भी एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ देखो बच्चों के कुछ जैविक कारक होते हैं जो कि है बायोलॉजिकल फैक्टर। इसको देखो, शारीरिक रूप से कमजोर एवं बीमार बालक की वृद्धि भी धीमी होगी, है ना। जो बच्चे फिजिकली और मेंटली थोड़े से कमजोर होंगे तो वैसे बच्चों की वृद्धि भी धीमी होगी, लेकिन इसके अपोजिट जो बच्चे फिजिकली और मेंटली फिट हैं, एक्टिव हैं, तो फिर उनकी वृद्धि भी बहुत तेजी होगी। फिर ये आपका कुछ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसे जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव फील्ड आपको प्रभावित करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कुछ हार्मोन्स की वजह से भी वो भी आपकी वृद्धि को प्रभावित करती है ना। और साथ ही देखो कुछ एक पॉइंट है, शारीरिक संरचना में कमी जैसे भद्दा चेहरा, नाटा, मोटा कद आदि। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बुलिंग की जाती है स्कूल में, जब बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, खास करके जो बच्चे होते हैं या अपने परिवार के अन्य लोगों से मिलते हैं, तो वैसे लोगों का मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों से घुलना मिलना बंद करते हैं। तो उनका क्या होता है, एक तरह से सोशल है या फिर मेंटल है, इस तरह की डेवलपमेंट कम हो जाती है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि वृद्धि और विकास क्या है, ये किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। और हाँ, अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्यूरीज है या कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।